चार चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चार चरणों में विपक्ष के सुपड़ा साफ हो चुके हैं, विपक्षी नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। 18 दिन बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और आज के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमल से लबालब भर दिया है। परिणाम भाजपा के पक्ष में, जिस प्रकार जनता जनार्दन का स्नेह होता है और ईवीएम में कमल का बटन दबता है जनार्दन, उसके आधार पर हम जीतते हैं। सभी मीडिया कर्मियों को मैं राम राम। चार चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चार चरणों में विपक्ष के सुपड़ा साफ हो चुके हैं, विपक्षी नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। मोदी जी के प्रति स्नेह वोटरों ने ईवीएम को लबालब से भर दिया है और कमल के निशान को दनादन दबाया है। 18 दिन बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अखिलेश जी स्वयं चुनाव हार रहे हैं, प्रदेश की देवतुल्य जनता मोदी जी को पुनः सेवा करने का चुन लिया है, क्योंकि गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति का समर्थन प्राप्त है। 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जब सपा बसपा गठबंधन में था 13 सीटें, आज मैं 13 की 13 सीटों एक तरफा जीत रहे हैं चुनाव। और आज के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमल से लबालब भर दिया है। परिणाम भाजपा के पक्ष में, हताशा और निराशा में सपा और इंडियन राष्ट्र के नेता समर्थक वोट देने ही आज गए नहीं। आप देखे होंगे तो उनके बस्ते खाली थे, सपा दिखाई नहीं दे रहा था। चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर चुनाव आयोग, मतदान कर्मियों और पुलिस बल, सुरक्षा बल, मीडिया कर्मियों सहित सभी मतदाताओं का अभिनंदन एवं लोकतंत्र के महायज्ञ को निर्भीकतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इस पुनीत कार्य में लगे सभी लोगों और जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बसपा का गठबंधन था, वह ताकतवर गठबंधन था, उसके बाद भी आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता, जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर, जिस प्रकार जनता जनार्दन का स्नेह होता है और ईवीएम में कमल का बटन दबता है जनार्दन, उसके आधार पर हम जीतते हैं और मैं बम्फर वोटों से ये सभी सीटें जीतेंगे। मैं पुनः कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री को जनता जनार्दन ने चुन लिया, सेवा करने का मौका देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का व्यापार नहीं, राजनीति मिशन है। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस व्यापार के लिए पार्टियां बनाती है, हम जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। जब भी सत्ता में आते हैं तो जनता की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।